बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं A1 TV का प्रोग्राम टैलेंट हंट विद इन पाकिस्तान विद एहसन बशीर शेख, और मैं हूं एहसन बशीर शेख। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसी बासलाहियत औरतें मौजूद हैं, औरतें तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसी बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत नाम कमाया। उनका इंट्रोडक्शन या उनका पूरा अपने बारे में क्या कहना है वो तो उन्हीं से हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको ये उनके बारे में बताता जाऊं कि वो आर्टिस्ट हैं, वो को-फाउंडर्स हैं, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं और पाकिस्तान के एक नामवर जगह के ऊपर काम भी करती हैं जिसे NIC कहते हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। उसके अलावा वो बहुत कुछ और भी ज़िंदगी में उन्होंने किया और अपनी इस छोटी सी एज के अंदर उन्होंने क्या कुछ कमाया और क्या क्या उनके तजर्बात थे, हम उन्हीं की ज़ुबानी पूछेंगे। आइए मैं अपने आज के मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊं। मेरी पहली मेहमान है महनूर। महनूर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच महनूर फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। और दूसरी हमारी मेहमान, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अलीज़े। अलीज़े, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। मुझे अंदाज़ा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है और आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएँ और हमारे जैसे इंटरव्यूज़ देते रहें, लेकिन हम बासलाहियत लोगों के पीछे घूमते हैं और हम जानते हैं कि हमने उनसे पूछना है ताकि लोग जो देखने वाले हैं आज और आपके जो मद्दा हैं वो देखें और पता करें कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं। मानू, टू बिगिन विद यू, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं, आप को फाउंडर भी हैं, आप एक जरीदा भी लिखती निकलता है आपके नाम से, और तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करती हैं, तो आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए ज़रा और ज़्यादा जो हम नहीं कह सके। मेरे ख्याल में, थैंक यू जी फॉर हैविंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना दैट चूज़ यू इंस्टेड ऑफ ये कि आप उनको चूज़ करें। एंड मेरे ख्याल में मेरे साथ इस तरह से ही हुआ है क्योंकि मेरे घर में लोग जो हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड हैं काफ़ी सारे, और मुझे हमेशा से मेडिसिन करना था एंड आई कुडंट डू दैट। आपको डॉक्टर बनना था? हाँ जी बिल्कुल, बट मुझसे टेस्ट नहीं होते, सो आई हैड मार्क्स, आई हैड द परसेंटेज, बट जब मैं टेस्ट देने गई तो मैं बस पंखे शंखे दे के वहाँ पर जो है वो बाहर आ गई और मैंने मतलब टेस्ट कम्प्लीट नहीं किया बेसिकली। सो वो मुझसे हो नहीं रहा था, सो दैट्स वाई आई चोज टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, और वहाँ से ये सारा जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ। देन मेरे मतलब घर में या फैमिली में ऐसे लोग हैं जो बिजनेसेस ऑलरेडी करते हैं, मेरी बहन है जो मेरे से 5 साल 4.5 साल बड़ी हैं और वो ऑलरेडी ऐसा करती हैं, मतलब यू नो काम शाम करती हैं, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो बस बेसिकली यही होता रहा। तो अलीज़े, आप क्या करती हैं और कैसे आप कैसे अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जी ज़रूर, जैसे महनूर ने बताया मेरा जर्नी उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है क्योंकि मैं हमेशा से आर्ट्स की स्टूडेंट थी, आर्ट्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए स्कूल कॉलेज हमेशा मैंने साइंस मुझे समझ नहीं आती थी ना मेरे से होती थी, तो मैंने हमेशा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को यू नो प्रेफर किया और वही उसी को परस्यू किया, और कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए मैंने अप्लाई किया और मतलब मैंने ग्रेजुएशन अपनी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में की। वहाँ पर मुझे मतलब महनूर मिली, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और जैसे महनूर ने बताया मेरी फैमिली में कोई बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब दूर दूर तक कभी किसी ने कोई बिज़नेस नहीं किया और इसी तरह से मुझे भी बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये महनूर ने मतलब हम साथ बैठते थे, हम बात करते थे कि चलो आगे चल के आफ्टर ग्रेजुएशन हम कोई अपना काम करेंगे, और यहाँ पर मैं मतलब वही बात करूँगी जैसे महनूर ने भी बताया कि जो इनकी बहन है वो हमारी पहली मेंटोर थी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और फिर यू नो इसकी क्योंकि इसके फैमिली में बिज़नेस था और इसको पता था, मुझे नहीं था पता, तो वहाँ पर हमने अपने स्किल्स को और उसको कम्बाइन किया और फिर हमने सोचा कि हम बिज़नेस करते हैं। अच्छा, आप दोनों ये बताइए कि ये क्रिएटिव कम्युनिटी स्किल्स जो हैं उनको आप आर्टिस्ट की स्किल्स को ब्लेंड करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, सो व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम व्हाट यू डू एक्चुअली After your introduction, आप और ये कैसे करती हैं? How do you do it? So basically, पाकिस्तान में there's a lack of a well-equipped creative community. क्योंकि ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है ना ग्लोबल, वो बहुत तेज़ चल रही है और हम उसमें बहुत पीछे हैं, और वो क्यों है क्योंकि डिफरेंट लोग जो हैं वो वैल्यू चेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो एक एंड टू एंड कम्प्लीट सोल्यूशन दे रहा हो।
और हमने ये चीज़ काफ़ी सारी खुद फेस की, बिकॉज हम जब यूनिवर्सिटी में थे हम बात करते थे कि यार अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमें बड़ा मज़ा आता है, हम वो नर्ड वाले बच्चे थे जो बहुत सारा काम करते थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो हमें बहुत मज़ा आता है तो हमें कुछ खुद करना चाहिए एंड एवरीथिंग. बट व्हेन वी गॉट आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी मैं आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब विद एन NGO, एक प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक के साथ, वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे आर्टिजन्स के साथ काम करने को मिला जो बहावलपुर में हैं, जो साउथ पंजाब में हैं, बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं. उधर मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिला कि जब हमारे प्रोडक्ट्स बने हुए बाहर जाते हैं या जब लोग उनको देखते हैं तो हर चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो रही होती है एज एन इंडियन प्रोडक्ट, राइट? सो वो इंडियन प्रोडक्ट मतलब लोग उसको बहुत ज़्यादा इंडियन क्राफ्ट और उनके हैंडीक्राफ्ट के साथ बहुत ज़्यादा उसको कन्फ्यूज करते हैं, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया का जो क्राफ्ट है बहुत डिफरेंट है. बिल्कुल. सो मेरे साथ वो हुआ और मेरा वो लाइक एक जर्नी था. फिर ये शी स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, एक दो प्रोजेक्ट्स किए. ये फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है? बेसिकली आप किसी के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, आप मतलब उनके लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं बट आप उनके साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं. मतलब इस तरह से आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, ऑनलाइन आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, तो इस तरह का काम था. उससे भी ये था कि थोड़ा बहुत सीखा बट इतनी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर फील नहीं हुई या इतना ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई हैं. तो दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि हम अच्छा जो हमारे मतलब हमारे जो हाथ में चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमारे स्किल्स हैं हम उनको लेके यू नो आगे चलें और उसके अराउंड हम अपना बिजनेस करते हैं. अच्छा, इंसान जो कुछ भी ज़िंदगी में करता है उसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ मुहरकात होते हैं कि जिस तरह से फिर वो आगे अपनी ज़िंदगी को करता है, तो वो ड्राइविंग फोर्स ऐसी क्या चीज़ थी आप दोनों के पीछे? मतलब मानूर के लिए डिफरेंट होगी, अलीज़े आपके लिए डिफरेंट होगी, वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी और क्या चीज़ थी जिसने आपको इस तरफ जो है माइल किया और आप इस काम की तरफ आए? मैंने क्योंकि हमेशा से वही बात है, आप हमेशा अपने पेरेंट्स को आप अपने बड़ों को देख के यू नो उनसे चीज़ें सीखते हो. मैंने हमेशा अपने फादर को अपने ग्रैंडफादर को अपने फैमिली में चैरिटी और यू नो लोगों की हेल्प करने को बहुत ज़्यादा मैंने देखा. मतलब हर टाइम वो किसी ना किसी की हेल्प कर रहे होते थे इन वन वे और दी अदर. तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर मेरे अंदर आ गई और मुझे यही था कि बस किसी हमारी जो कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हुए हम लोगों की हेल्प करें और यू नो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स ये हैं वो कहीं ना कहीं उसका मकसद ये है कि हम लोगों को हेल्प करें या उनके जो काम है उसको प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली. मेरे लिए ऑन द अदर हैंड ये था कि मैंने अपने बाबा को एक चीज़ मतलब मैंने हमेशा उनमें देखी है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से करते हैं और जिसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो बेसिकली ज़िंदगी में हर कुछ जो है ना वो अपनी जगह पर आ जाता है, बिल्कुल मतलब यू नो स्मूथ हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली हो, जो भी हो. सो आई थिंक टू लीड अ पर्पजफुल लाइफ बेसिकली ब्रिंग्स यू इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप ज़िंदगी जो है ना वो बेसिकली भरपूर तरीके से जी सकते हैं और फिर अल्लाह ताला के सामने भी आप मिहाल में सर उठा के खड़े हो सकेंगे. सो बेसिकली मेरी तो ड्राइविंग फोर्स यही है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसा हो जो मुझे फुलफ़िल करे ताकि मुझे अपने रिश्तों से अपने आस पास की चीज़ों से हर वक्त डिमांड ना करना पड़े कुछ, यू नो. सो बेसिकली तो ये जो काम है, आप तो बहुत बड़ा लोग आप काम कर रही हैं, तो आप लोगों के वो क्या चीज़ थी जिसने आपको फोकस्ड रखा कि आपने इसी को प्रसू करना है और इसी कम्युनिटी आर्ट और इसको ब्लेंड करना है और इसी काम को आगे लेके जाना है? वो क्या चीज़ थी जिसने आपको फोकस रखा इसके लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो और भी बहुत आई होंगी? सो एक लैक है, जैसे मैंने पहले बात की कि एक कमी है किसी चीज़ की जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा जो कम तनख्वाह वगैरह मिलती है ना वो ये कशीदाकारों को और ये कारीगरों को, लोग जो यू नो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स होते हैं, कोई वेज नहीं है इनकी. हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली इन सब को इस काबिल बनाना है कि वो अपने बिजनेसेस चला भी सकें, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल्स बना सकें ताकि उनके बिजनेसेस जो हैं वो आगे रन कर सकें विदाउट एनी सपोर्ट, किसी की मदद के बगैर, ताकि उनकी एक वैल्यू बने. और यू नो एक डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है और या एक ये जो सारा सीन होता है इसमें पता होता है कि अच्छा ये जो है काबिल प्रोफेशंस हैं और यहाँ की तनख्वाह इधर से स्टार्ट होगी. हमने खुद कितनी इंटर्नशिप्स की होती हैं व्हाइल वी आर इन यूनिवर्सिटी जहाँ से कोई पैसे नहीं मिल रहे होते, कोई कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन आपको वो बस करते जाना होता है. सो बेसिकली आई थिंक ड्राइविंग फोर्स यही है कि ये जो कमी है इसको पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए और हमारे पास मतलब ज़िंदगी जितनी भी है लेकिन पूरी जितनी है वो पड़ी हुई है टू डू दिस, सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया में वो कौन सा मीडिया है जिससे आपने सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया हो अपने काम के दौरान?
हमने स्टार्ट जब किया था हमारा फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मतलब हमारी प्रेजेंस थी, बट आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो लास्ट ईयर मतलब जब से कोरोना वाला ये सारा कोविड वाला सिस्टम हुआ है, उसके बाद से इंस्टाग्राम पे एक बहुत मतलब इंस्टाग्राम ने बहुत बूम किया है और वहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं. तो अब अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हमें फ़ायदा दे रहा है और उस पर काफ़ी सारे लोग हैं जो घर बैठे बिजनेसेस कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं वहाँ से और अपना काम मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना काम दिखा भी सकते हैं. एक कम्प्लीट सोल्यूशन है जहाँ से आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बेच भी सकते हैं, चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको प्रमोट भी कर सकते हैं. और जैसे आपका प्रोग्राम है, हमारी चीज़ है, वो यंग ऑडियंस को टारगेट करता है, उनको इंस्पायर करने के लिए बात करता है. तो वो जो सारा यंग ऑडियंस है वो सब के सब इंस्टाग्राम पे बैठे हैं और इंस्टाग्राम प्रोबेबली एक एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीरियस है अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, वहाँ पर हर कोई जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ है. यहाँ पर एक वो फिल्टर है बेसिकली कि कंटेंट क्रिएट किया हुआ ही यहाँ पर जो है वो चल सकता है. सो द कंटेंट क्रिएशन, एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट वेरी इजी. तो इसलिए आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ अ फेवरेट. अच्छा ये बताइए कि ये इतने सारे जो काम आप करती हैं, इसमें कोई ना कोई काम तो आपका फेवरेट होगा, और वो होता है ज़िंदगी में कि एक काम, तीन चार काम आप इकट्ठे कर लें तो उसमें एक ऐसा होगा कि जो कि मोस्ट फेवरेट होगा और एक होगा जिसको कि कम तवज्जो दी जाती होगी. तो द मोस्ट फेवरेट मानूर आपके साथ कौन सा है और एलिज़े आपके साथ कौन सा है? आप दोनों ने एक जैसा नहीं कहना, अब वो नहीं होगा कि यू मस्ट बी डिफरेंट. सो मानूर आप बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट इन कामों में से काम है? ओके, मार्किंग ऑफ वन ऑफ फॉर एलिज़ा. सो छाप बेसिकली, क्योंकि छाप हमने खुद भी कोरोना के दौरान ही स्टार्ट किया था. नाज़रीन मैं ये बताना तो भूल ही गया कि इनकी तीन ऐसी खसूसियात हैं जो कि मैं इंट्रो में बताना चाह रहा था. एक है छाप के नाम से ये काम कर रही हैं, दूसरा है बासबब, और तीसरा WOC. सो इन तीनों के बारे में फर्दन फर्दन हम इनसे भी पूछेंगे. अब इन्होंने काम बताना शुरू कर दिया है मानूर को. सो मानूर आप कंटिन्यू कीजिए. सो छाप जो है वो बेसिकली एक डिजिटल एंटिटी है टू विच हेल्प्स यू नो आर्टिस्ट, एक एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए है वो. बेसिकली हमारा जो मोटो है वो है पहचान से कामयाबी तक. सो वी हैव अ मैगजीन, वी हैव एन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वी रन डिजिटल एक्टिविटीज़ हम रन करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, और हम कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं और सारी चीज़ें. तो छाप मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि उसमें यू गेट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. आपको बहुत सारे लोगों को जानने का, आपके को बहुत सारे लोगों से बात करने का, उनका प्रोसेस समझने का, बेसिकली इतना अच्छा मार्केट सर्वे का एक तरीका है हमारे पास छाप के मतलब तौर पे या छाप के थ्रू, कि वहाँ से जो सारा फ्लक्स है वो आता है हमारे बासबब पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं जो वैलिडेटेड उनके प्रोडक्ट्स होते हैं. तो आई थिंक मेरा फेवरेट छाप होगा. छाप होगा. और एलिज़े आपका, हम आपके मैगजीन के बारे में अलहदा से भी और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे. जी जी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा फेवरेट या पर्सनल फेवरेट आई थिंक बासबब है, क्योंकि उसका यह है कि वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी अपनी पर्सनल लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों का और डिफरेंट डिफरेंट तरह का काम, जब आप, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट करते हैं सारे प्रोडक्ट्स को, तो आपकी अपनी एक पर्सनल लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है. दूसरा, इंस्पिरेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है कि लोग इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है बासबब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है. शायद बहुत दिल के करीब है. और एक WOC भी है, वो क्या है मानू? सो वॉक वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव्स, ये हमारा बेसिकली ड्रीम प्रोजेक्ट है. एंड दैट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव्स, एंड इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट व्हिच इज द पेरेंट कंपनी. बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट वेरी एक्साइटेड नाउ. सो इट्स द पेरेंट कंपनी, उसके नीचे आती हैं, अम्ब्रेला के अंदर आती हैं बासबब, छाप और एलिज़ा मानूर, विच इज़ अ प्रोडक्ट लाइन. तो वॉक का बेसिकली आइडिया ये था कि हमने जब अपनी बहन को, मेरी बहन को प्रेजेंट किया, क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड है एंड एवरीथिंग, वो ट्रेनिंग्स वगैरह कराती हैं, तो उन्होंने हमें ये कहा कि अच्छा ये मुझे बातें ना सुनाओ, बिकॉज हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स थे. तो उन्होंने हमें ये कहा कि बताओ मुझे ये कि पैसे कैसे कमाओगे, राइट? बिकॉज चलते जो आजकल हर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा काम करके पैसे कैसे कमाऊँ, और ये ज़रूरत भी है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अच्छा काम करके पैसे कमा सकते, क्योंकि आप, मनी इज़ अ ग्रेट इंसेंटिव बेसिकली, क्योंकि आप ना कहीं अपना जो हौसला है ना वो छोड़ देते हैं या हार जाते हैं अगर आप पैसे ना कमा रहे हो. तो वो जो हमने फिर अपनी दोनों ने कंबाइन करके, जो भी हमने पीछे सीखा था उसको कंबाइन करके, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमने इनको कंबाइन किया और सर्विसेज की ऐसी एक लिस्ट बनाई जो हम क्लाइंट्स को मतलब दे सकते थे, और दैट इज़ हाउ हमने पहले मंथ से कमाना शुरू कर दिया था. तो
तब से अब तक छाप इज सॉरी वॉक वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव्स इज बेसिकली दैट. फिर हमने देखा कि ओके ई कॉमर्स जो है हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें एक प्लेइंग फील्ड हो, आर्टिसंस आर्टिस्ट्स वहां पे उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही हो एक ही तरह की ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट सेल करने की. मतलब होता है ना कि जो मंझे हुए या जो ब्रांड्स होते हैं उनकी ऑलरेडी एक मार्केट या एक उनकी ऑलरेडी एक ऑडियंस डिफाइंड होती है, जबकि एक छोटा जो आर्टिस्ट होगा या जो आर्टिसन होगा उसकी वो नहीं होगी. तो बेसिकली हम एक प्लेन फील्ड देते हैं कि हर कोई हर बैकग्राउंड का मतलब आए वहाँ पर और अपने प्रोडक्ट्स उन सब मतलब उसके पास एक ही तरह की ऑडियंस हो. यानी कि आप के पास जो लोग आते हैं या जो आर्टिस्ट हैं वो पहले से रिफाइंड किसी हालत में होने चाहिए. क्या आप अनरिफाइंड लोगों को भी कोई देती हैं अपॉर्चुनिटी इसमें आने के लिए कि उनको फिर सिखाया जाए और फिर उनको तैयार किया जाए और फिर उनको इस तरफ लगाया जाए? कोई ऐसी चीज़ भी है आपके जहन में? सो दैट्स वेयर द प्रोडक्ट लाइन कम्स इन. जो मैंने अभी बात की रीज़ा महानूर की, वो ये है कि हम डिफरेंट, जैसे हमने एक कुशन लाइन निकाल दी, हमने एक इयररिंग्स निकाल लिए जो कि क्ले के बने हुए होते हैं, इन चीज़ों को हमने मतलब प्रमोट अगर करना शुरू कर दिया, टेबल मैट्स निकाल लिए. अब ये रेंजेस वो हैं जो एक कारीगर करता है, कारीगर मतलब आर्टिजन, जिसको आर्टिजन भी कहते हैं, ठीक है? तो वो काम करता है. अब उसको सब कुछ आता है, उसके पास मतलब अपनी स्किल्स हैं, लेकिन उसके पास एस्थेटिक नहीं है, उसके पास कलर्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं है, उसके पास डिज़ाइन के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं है. तो दैट्स वेयर वी कम इन, और हम उनको हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग अच्छे डिज़ाइंस. और हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग बात, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें से 80% उनको जाता है और 20% हमें आता है, बिकॉज वी आर एक्टिंग एज मीडिएटर्स. तो वहाँ पर जो है वी आर हेल्पिंग देम कि वो एक सस्टेनेबल बिजनेस. आप उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं जो पैसे आपको आपस में आते हैं? दैट मोस्टली गोज, हमने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं दी, हमने हमेशा बूटस्ट्रैप किया है. तो जितने पैसे कमाए हैं उसको हमने दोबारा बिजनेस में लगा दिया. सो दैट्स बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली, जो हमने मेरे ख्याल में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से सीखा था. बिकॉज हमने पढ़ तो लिया, मतलब टेक्सटाइल डिजाइनिंग आर्ट्स ऑल ऑफ दैट, राइट? अच्छा, आपने यहाँ पे एक ये चीज़ का जिक्र कर दिया और मैंने भी इसमें किया कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये क्या है और कैसे काम करता है और उसमें क्या लोग कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. सो हमारी मैंटेलिटी ना इन्वेस्टमेंट और पैसा है, राइट? और हम किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हैं तो हम वो मैंटेलिटी लेके जाते हैं. इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली ये करता है कि आपके आइडिया को आप तो जो फाउंडर्स हैं, टीम्स हैं, उनको लेता है और उनको बेसिकली पॉलिश कर देता है. हाँ जी, रिफाइन करता है, पॉलिश कर देता है उनकी स्किल्स को. तो हमें जो है बेसिकली हम जब ग्रेजुएट हो गए एंड एवरीथिंग आफ्टर द जॉब एंड एवरीथिंग, वी लाइक वी गॉट इन टू नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे हमें करिकुलम था एक, हमें बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता लगा और हमने मतलब वी लर्न हाउ टू रन अपने आप को, मार्केट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बाकी फाइनेंसिस कैसे हैंडल करने हैं और सारा कुछ. तो जो बेसिक बिजनेस के जो सारे एंड्स होते हैं ना, वो उसके बारे में हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का जो करिकुलम सेशन था उससे हमने सीखा बेसिकली. अच्छा, हर इंसान की कुछ ना कुछ एम्बिशंस और होप्स होती हैं, आपकी भी होंगी होप्स और एम्बिशंस, वो क्या हैं और किस हद तक आप जाना चाहते हैं और क्या समझते हैं आपके कहाँ तक आपने अचीव कर लिया है और क्या कुछ रह गया है आपकी ज़िंदगी में और जो आप अचीव करना चाहते हैं, लाइक सम फ्यूचरिस्टिक थिंग्स विच आर देयर स्टिल इन योर माइंड और आप वो चाहते हैं कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको अनफोल्ड करेंगे, सो वॉट इज़ दैट? आई थिंक मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ी पॉपुलेशन का पार्ट है जो कि क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है और वो क्रिएटिव इकोनॉमी में बेसिकली कंट्रीब्यूट कर सकता है. क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है? जो इकोनॉमी का पार्ट होता है जो किसी भी क्रिएटिव लाइक प्रोफेशन से, लाइक आर्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गई, डिजिटल आर्टिस्ट हो गए, इलस्ट्रेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी में, उसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी कहते हैं. तो मुझे ये होता है कि आई थिंक जहाँ पर भी लाइक अगर मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, जब भी यू नो एक बहुत ही कॉन्क्रीट और एक बहुत ही मतलब वायबल सोल्यूशन हो जो क्रिएटिव इंडस्ट्री को दिया जाए, जहाँ पर क्रिएटिव इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी को मैच कर सके और पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बेहतर कर सके. माशाल्लाह, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट एम्बिशन यू हैव. और अभी मैं अगर ये पूछूं कि आप कौन से जीने की कौन सी सीढ़ी पर अभी तक हैं, वो क्या हैं? अभी तो इट इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप, लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए जो पहला कदम है वही इंपॉर्टेंट होता है, और वो आप समझती हैं कि आपने वो पहला कदम रख लिया है या अभी रखना बाकी है? सो हमारी हम ये कह सकते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं कर सकते, बट ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारा काम कर रही है तो आप कर सकती हैं. नहीं, जो हमारा प्रोडक्ट है या सोल्यूशन है, हमने उसको वैलिडेट कर लिया. वी हैव वैलिडेटेड आवर प्रोडक्ट एंड वी हैव वैलिडेटेड आवर सोल्यूशन. हाउ इट वर्क्स,
who is it for, the kind of process, the kind of customer's journey, all of that, we have validated. Basically, जो उसका back end है, वो हमने मतलब वो हमारा covered है, sorted है. अब उसको आगे front end पे लाना और उसको you know boost करना, अब वो हमारा accelerate और scale करना is the. अच्छा ये जो नाम आपने रखे, बासबब और छाप, ये बड़े कैची हैं और बड़े खूबसूरत नाम हैं. ये कैसे आपके ज़हनों में आए? जरा थोड़ा सा इसके बारे में हमें और बताइए. सो बासबब इज़ बेसिकली मैं मतलब इट वाज फॉर अ कॉज. जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दैट वाज फॉर अ कॉज. तो मैं अपने बाबा के साथ बैठी और मैंने उनको कहा कि वजह का, किसी वजह से, तो वजह का आप मुझे कोई सिनोनिम बताते रहे. तो उन्होंने मुझे बताते गए, फिर उन्होंने एक वर्ड बोला सबब. तो इससे उससे मतलब बेसिकली आया बासबब. और वो इट्स फॉर अ कॉज, किसी वजह से. तो हमारी वजह यही है कि सबको जो है वो एक ही जगह मिले, जहाँ पर एक एक कारीगर, एक डिज़ाइनर, एक आर्टिस्ट, सारे जो हैं वो एक ही कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेच सकें एक ही वक्त में. एक ही बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म दिया और आपने इसको किया. अच्छा, हमें थोड़ा सा ज़रा अपने मैगज़ीन के बारे में और बताइए कि उसमें इशात जो हैं वो किस तरह होती हैं और आप उसमें कहाँ से वो लेते हैं और कैसे वो होता है. छाप जो है बेसिकली वो हमारा डिजिटल मैगज़ीन है जो कि हर 3 महीने के बाद आता है. मतलब इट्स अ क्वार्टरली मैगज़ीन. उसमें ये होता है कि हम डिफरेंट जो क्रिएटिव फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उनके जर्नी के बारे में हम कुछ पूछते हैं, या उनका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, या क्या चीज़ उनको इंस्पायर करती है ऑन डेली बेसिस. इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम उनसे बेसिकली इंटरव्यू करते हैं और वो फिर हमें रिटन फॉर्म में. तो उस तरह का मतलब बेसिकली जो क्रिएटिव फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनका भी इंटरव्यू होता है, और जो ऑलरेडी यू नो काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिश हैं, तो उनका इंटरव्यू जो है वो हम अपने. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी हो जाती है और आप जैसी बासलाहियत लोगों से हमेशा मुझे ये रहता है कि मेरे पास बहुत कुछ था बातें आपस में करने के लिए. ये बताइए कि आने वाली नस्लों को या जनरली एक यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि क्या करें और कैसे वो आपकी तरफ बासलाहियत बन सकती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि क्योंकि अब हमारा तो ये है कि हमेशा से हमें, मुझे, मानू को, हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. जो भी हमने करना था, कभी उन्होंने, जाहिर है थोड़ा सा कंसर्न उनका होता है, बट उन्होंने कभी हमें मना नहीं किया या हमें रोका नहीं है. तो बेसिकली तो यही है कि जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि ये आप कर सकते हो और इस चीज़ से आप कमा सकते हो, मेरा तो ख्याल है कि वन शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. और मतलब अपने पैशन को परसू करें, आगे परसू करके उसको अचीव करना चाहिए. और मानूर, आपके लिए? मेरे ख्याल में मुझे एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है जिसको हद कहते हैं, लिमिट, राइट? एंड आई थिंक कि अपनी सलाहियत के साथ साथ अपनी लिमिटेशंस और अपनी हदूद को भी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है. और मैं लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि अपने आस पास की जो लड़कियाँ हैं ना, उन पर भरोसा करें एंड मूव इन पैक्स, राइट? जब आप पैक में मूव करते हैं ना, तो नोबडी कैन कम नियर यू. दूसरा ये है कि अगर आप अपने घर में एक फ्रेंडली माहौल हो, आप अपने वालिदैन से, आप अपने बहन भाइयों से बात कर सकें. मेरे 2 भाई हैं, देर माई बेस्ट फ्रेंड्स. मेरे बाबा इज़ एवरीथिंग टू मी. माई मदर, माई सिस्टर, देर लाइक लिटरली माई मेंटर. सो द थिंग इज़ कि जब आपका एक यूनिट होता है और वो यूनिट आपको इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करता है, नॉट इन यू नो द कैपेसिटी ऑफ एनी जेंडर और एनी काइंड ऑफ अदर लिमिटेशन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए खुल जाती हैं बेसिकली, राइट? सो अपनी सलाहियतें पहचानें, लेकिन अपनी लिमिटेशंस भी पहचानें और उनको एम्ब्रेस करें. डोंट बी अ रेबल विदाउट अ कॉज. मानूर और एलिज़िया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. एक नहायत फ्रूटफुल और बहुत अच्छी गुफ्तगू का और अपने टाइम को स्पेयर करने का हमारे लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप A1 TV के चैनल पर तशरीफ़ लाएं, हमारे स्टूडियो में आईं और हमें अपने ख्यालात का इजहार किया. और मैं ये समझता हूं कि जो लोग आपको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, उनके लिए इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े पैगामात हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आजकल के दौर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं. वो बेसिकली वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें. हदों की जो बात आपने की, मैं उससे पूरा तरह से एग्री करता हूँ कि हद हमारे एक हदूद जो हैं वो हमारे लिए सोसाइटी के तौर पे भी और हमारे मज़हब के तौर पे भी हमारी हदूद जो हैं वो उनका तायुन कर दिया गया है. अगर हम उसके बीच में रह के काम करें तो मेरा ख्याल है कि आप भी बासलाहियत बन सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है. अल्लाह निगेबान.